दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। दोस्तों आप आम आदमी हो या खास आदमी हो, हर घर बिजली आती है, हर इंसान को बिजली से जरूरत है। इस वीडियो में इतना अच्छे से बताने वाला हूं कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, चाहे आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज में हो या जॉब में हो, हर जगह ये वीडियो आपको रामबाण की तरह काम आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं बताने वाला हूं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, गारंटी याद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, क्योंकि पिक्चर हजार शब्दों को बयां करता है। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी पिक्चर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए आप, इसमें तीन पिंस हैं, यहां पे भी तीन पिंस हैं, तो आपको पता ही हो गया कि तीन पिंस में तीनों पिन का अलग अलग मतलब है। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लेके आया हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने घर पे देखा होगा बहुत सारे आपके सॉकेट्स होंगे जो तीन पिंस के होंगे, तीन छेद होंगे उसमें, ठीक है। ये बड़ा वाला होता है, सबसे मोटा होता है, ये दो पतले पतले होते हैं। तो इसमें देखिए अगर आप वायर को छीलते हैं तो काला है तो न्यूट्रल है, अगर लाल है तो रेड है यानी लाइव है, फेज है, और अर्थ कौन सा है, हरा वाला। हरा वाला वायर होता है वो अर्थिंग होता है। तो अब अर्थ क्यों होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, लाइव क्यों होता है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको शायद आपके घर में वायरिंग तो है ही, गलती हो गई तो पता लगे कि किसी को करंट मार दिया आपके घर में, तो हमेशा हमेशा के लिए आप सोचेंगे कि ये वीडियो देख लिए रहते तो थोड़ा ज्ञान हो गया रहता। तो दोस्तों देखिए ये तीन पिंस में से देख लीजिए, एक लाइव होगा यानी एक फेज होगा, दूसरा न्यूट्रल होगा और तीसरा अर्थ होगा। तो अर्थ वाला मोटा रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अर्थ का रेजिस्टेंस होना वो 8 ओम से कम हो। एक स्टैंडर्ड IEEE या फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, वो भी कहता है कि 8 ओम से 10 ओम 8 ओम इससे नीचे ही होना चाहिए, किसका, अर्थ का वायर। इसलिए अर्थ का वायर मोटा रखता है। मोटा वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा में रेजिस्टेंस कम होता है और पतला में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसलिए देखेंगे यहां ये लैपटॉप का चार्जर है, इसमें भी देखेंगे दो पतली पतली है लेकिन एक मोटा है। मोटा वाला में रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा वाला वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये तो पता चल गया कि ये अर्थ है, जो बीच वाला जो बड़ा पिन है वो अर्थ है, और अर्थ का रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए और 8 ओम से कम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड माना गया है IEEE से, ठीक है। बाकी फैक्ट्री में हो सकता है 2 ओम से कम मेंटेन करते हो, जब आप मेगर करते हैं मेगरिंग से ही पता चलता है कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों देखिए ये पिक्चर्स मैंने दिखा रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में, बाकी मैं आपको ये तीन पॉइंट्स में एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए मोटर यहां चल रहा है, मोटर मान लीजिए कि सिंगल फेज है, आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है पानी पहुंचाने के लिए आपके ऊपर टंकी में। तो देखिए सिंगल फेज मोटर है, इसमें अगर आप एक फेज लेके आते हैं और एक न्यूट्रल लेके आते हैं तो ये मोटर काम करेगा। अगर खुदा ना खास्ता आप न्यूट्रल वायर नहीं भी लेके आते हैं तो अगर अर्थ से न्यूट्रल वाला कनेक्ट कर देंगे तो भी मोटर चल जाएगा। अब ये अर्थ और न्यूट्रल में क्या अंतर है, यही वीडियो का तो मेन मकसद है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि अर्थ जो होता है ये करंट जो होता है ना हमेशा कैरी नहीं करता है। कब कैरी करता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, कोई इवेंट्स हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तब ये करंट कैरी करता है। तो पहला अंतर ये जान लीजिए कि अर्थ वाले वायर है, ये जो मोटा वाला वायर है यहां देख रहे हैं, इसमें हमेशा करंट नहीं बहता है। कब करंट बहेगा, जब कुछ घटना होगी तब, जब कोई मिसहैपनिंग होगा, जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कभी वायर में कहीं गड़बड़ी हो गई, तब यहां पे करंट बहेगा। समझ गए, इसमें करंट नहीं बहता है, लेकिन न्यूट्रल में हमेशा करंट रहता है, ये मेन अंतर है। बाकी दो और अंतर बताऊंगा तो इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अर्थ में क्या होता है कि अर्थ में कोई करंट बहता नहीं है, जनरली जब एक्सीडेंट होता है तब बहता है, और न्यूट्रल में हमेशा करंट बहता रहता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब जो अर्थ होता है वो ग्राउंडिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्या देता है, ग्राउंडिंग पॉइंट देता है, और न्यूट्रल क्या देता है, रिटर्निंग पॉइंट देता है, रिटर्न पॉइंट देता है, रिटर्न होने के लिए एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है कि आप तो जा तो रहे हैं फेस से लेकिन आ जाइए न्यूट्रल से, जा रहे हैं फेस से आ जाइए न्यूट्रल से। एक एग्जांपल लेते हैं, अब आप रिटर्निंग की क्या जरूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तीसरा पॉइंट देख लेते हैं उसके बाद रामबाण वाले एकदम नुस्खा बताऊंगा जो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तीसरा पॉइंट है कि इट इज लो रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ वाला ये जो टिप है ये लो रेजिस्टेंस रखते हैं। लो रेजिस्टेंस पाथ यूज टू प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय द लीकेज करंट, ठीक है। इट इज कंडक्टिंग वायर यूज इन एसी सर्किट दैट प्रोवाइड्स अ रिटर्न पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये कंडक्टिंग वायर ही होता है जो कि एसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है करंट बहने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि रिटर्न पाथ की जरूरत क्या है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग जानकार है थोड़ा सा भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं अभी तुरंत बताने वाला हूं। देखिए तुरंत बताने वाला हूं, देखिए ये याद रखिए गया कि अर्थिंग जितने भी है उसको हम न्यूट्रल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहां पे कि अगर न्यूट्रल आपके घर पे वायर नहीं आता है तो अर्थिंग वाला न्यूट्रल की तरह काम कर पाएगा।
मतलब जितने भी अर्थिंग है वो एज अ न्यूट्रल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल वाला जो है वो अर्थ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो ये वायर है ये वाला न्यूट्रल जो है इसको एज अ अर्थ यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो अर्थिंग है इसको न्यूट्रल हम बना सकते हैं। तो हर अर्थ वाले न्यूट्रल में कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन हर न्यूट्रल वाले अर्थ में नहीं कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए नोट मैंने कर दिया। ये तीन पॉइंट्स है ना आपका इंटरव्यू में चार चांद लगा देगा, और अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर लिख के आ जाएंगे तो आप फुल टॉक टाइम मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, 100 में 100 आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एकदम इंपॉर्टेंट आंसर है कि देखिए बोथ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, दोनों जीरो पोटेंशियल पे होते हैं, जीरो पोटेंशियल पे होते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है कि अर्थिंग क्या करता है कि जमीन में कनेक्ट करता है, और न्यूट्रल क्या करता है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, एकदम करंट को रिटर्न होने के लिए। अब रिटर्न की क्या जरूरत है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं, अगर सांस कुछ देर रोक देंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे, तो सांस लेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे खाना पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो टॉयलेट भी करना जरूरी है, नहीं तो इंसान मर जाएगा। उसी तरह करेंट अगर फेस से आ रहा है तो दूसरे एंड से न्यूट्रल से निकलना बहुत जरूरी है, न्यूट्रल पाथ बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि इससे करंट यहां पे एंटर किया तो इससे निकलना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सांस लेते हैं छोड़ना जरूरी है, खाना खाते हैं और पानी पीते हैं और टॉयलेट करना भी जरूरी होता है, उसी तरह एक से करंट आता है इक्विपमेंट में और दूसरे से रिटर्न होना जरूरी है, तभी सिस्टम काम करेगा, नहीं तो सिस्टम डेड हो जाएगा। अगर सिर्फ एक वायर से मोटर चलाना चाहे तो नहीं चलेगा, एक वायर से बल्ब जलाना चाहे तो नहीं चलेगा, दूसरी पाथ जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी लेके आए दूसरी रिटर्न पाथ जरूरी है। तो समझ में आ गया, अर्थ होता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, और न्यूट्रल क्या होता है रिटर्न होने के लिए, सिस्टम को चलने के लिए। तो न्यूट्रल किस लिए जरूरी है, सिस्टम को चलने के लिए जरूरी है। अर्थ किस लिए जरूरी है, खुदा ना खासा कुछ एक्सीडेंट हो गया तो लोगों को दिक्कत ना हो, अगर कोई इसको हाथ से छू कर रखे और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, तो करंट इस अर्थ से बह जाए, ना कि इंसान को लगे। तो इंसान के सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट के प्रोटेक्शंस के लिए, इंसान के प्रोटेक्शंस के लिए अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए सेफ्टी के लिए, इंसानों के सेफ्टी के लिए। और न्यूट्रल किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, सिस्टम को चलने के लिए, कि बिना न्यूट्रल का सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो पूरे ए टू जेड चीजें मैंने बता दिया है, फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला होता है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, कमेंट में जरूर बताइएगा आपका सवाल क्या है। आपके सवालों को अध्ययन करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चंस होगा उसका रिप्लाई भी मैं कर पाऊं। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।